हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे इस वीडियो में बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जिनका अगर मैं बोलूँ यूज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस में होता है, उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे और उनके प्रूफ्स भी करेंगे, क्योंकि कुछ होम एग्जाम्स में इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स भी आते हैं, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की लीनियर प्रॉपर्टी और फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से बोलूंगा कि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर चैनल्स को बार बार विजिट करते आए हैं बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी वीडियोस अपलोड होंगी अगर आप बेल आइकन को क्लिक करके रखेंगे सो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा फ्रेंड्स। सो कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, दो प्रॉपर्टीज मैंने बोला, इनके स्टेटमेंट और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है उसको पहले करेंगे। तो जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रॉपर्टी डिस्कस करना हमें। और सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, लीनियर प्रॉपर्टी, इसका हर एक न्यूमेरिकल में हम देखेंगे आप की यूज करेंगे। सो ये प्रॉपर्टी है क्या? देखिए, आपने अगर वेक्टर स्पेसेस पढ़ रखी है, मतलब लीनियर अलजेब्रा, वहां पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, यहाँ पे दो स्केलर्स आपको लेना है, ए बी। अब स्केलर्स मैं बोल रहा हूं मतलब कॉन्स्टेंट, ठीक है, और दो फंक्शन लेने हैं, एफ टी और जी टी, ठीक है। सो यहां पे क्या ये बोलता है लीनियर प्रॉपर्टी, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, ए टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी प्लस बी टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी। मतलब सिंपली आप समझिए, इसके लिए बाहर आएगा अलग अलग फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेके ऐड कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। तो चलिए पहले इसका ये स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो लेट, सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है लीनियर प्रॉपर्टी, वो जो है लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की ये जो लीनियर प्रॉपर्टी है इसको मैं लिखता हूं, लेट ए एंड बी बी टू स्केलर्स, बी टू स्केलर्स एंड एफ टी जी टी बी टू फंक्शंस देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी, दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी प्लस बी टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी, ठीक है ना। ये होता है लीनियर प्रॉपर्टी। अब इसको प्रूव करना है फ्रेंड्स, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसको बस याद करके रखना है आपको। प्रूफ अगर आपके एग्जाम में आता है तो प्रूफ भी मैं दे रहा हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के जो क्वेश्चंस आते हैं ये देखेंगे आप, अक्सर ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। सो प्रूफ बहुत इजी है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, राइट हैंड साइड दिखा देना है आपको,
सो क्या मैं लिख रहा हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी, ठीक है ना। बाय डिफिनेशन ये क्या होगा, इंटीग्रेशन टी इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी, डिफिनेशन जो था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को, इसका इसको पूरा एक फंक्शन आप लेके चलेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एस टी, और यहां पे ए एफ टी प्लस बी जी टी, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का हम डेफिनेशन यूज करेंगे। और आपको पता है दिस इज इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी, अलग अलग कर लीजिए e टू द पावर माइनस एस टी, ए मैं यहां से बाहर ले लेता हूं, एफ टी डी टी प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एस टी जी टी डी टी, ठीक है। मैंने बस ई टू दी पावर माइनस एस टी को अंदर लिया, ए यहां पे बाहर, यहां से भी। अब ये ओवरऑल फंक्शन हो गया, इस पूरे का मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ये इंटीग्रेशन निकालना है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, अगर अंदर दो फंक्शन है तो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन का सम हो जाता है, ये इंटीग्रेशन डेफिनेट। तो यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन टी इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी ए ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी बी ई टू द पावर माइनस एस टी जी टी डी टी, ये हो गया फ्रेंड्स। अब यहां से क्या करेंगे, ये स्केलर है तो ये बाहर आ जाएगा, स्केलर मतलब एक कांस्टेंट है, मैंने लिखा है स्केलर्स मतलब कांस्टेंट्स, तो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस बी टाइम्स इंटीग्रेशन टी इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी जी टी डी टी, ये हुआ। अब ध्यान दीजिएगा ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है एफ टी का, और ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है जी टी का, तो दिस इज इक्वल टू ए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी प्लस बी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी, यही प्रूव करना था फ्रेंड्स, यही आपको प्रूव करना है। सो होपफुली ये एक इजी प्रूफ था, अगर आपके होम एग्जाम में आएगा तो बहुत बोलते ना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के अगर क्वेश्चंस बनते होंगे तो वहां पे प्रूफ आता है, क्योंकि इसका प्रूफ दो से तीन लाइन में हो जाता है। तो ये तो इजी था, इंपॉर्टेंट जो है अब करने जा रहे हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट जो है अब करने जा रहे हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में इसको कुछ बुक्स में बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लेकिन अगर कोई आपसे बोलता है ना शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो आप इसी को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को ही शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के नाम से बहुत फेमस है, तो मैं प्रॉपर लिख देता हूं। सो नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसी को मैं लिख रहा हूं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, पहले इसको समझते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सो देखिए ये क्या बोलता है कि अगर कोई एक फंक्शन लीजिए और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस होता है, ये फंक्शन है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है एफ एस है, तो शिफ्टिंग मतलब क्या हुआ, आपको पता है ना शिफ्ट करना, मतलब अगर ऐसे मैं बोलूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक मतलब ए यूनिट से लेफ्ट या राइट में शिफ्ट करना, फंक्शन का ग्राफ आप जानते हैं उसी को हम शिफ्टिंग बोलते थे, ठीक है ना। तो यहां पे एक्चुअली ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, पहली चीज की इसको लिख देता हूं, लिख के फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले शिफ्ट मतलब क्या समझते हैं, ये पहले देखते हैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ शिफ्ट कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू आपने क्या लिया मॉड एक्स, ठीक है ना, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे, तो यहां पे एक्स अगर मैं प्लस ए भी कर सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल ए को मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू टू ले लिया, या फिर एक्स इक्वल टू सॉरी एफ एक्स माइनस टू, इसी को हम बोलते हैं शिफ्टिंग। यहां पे इंडिपेंडेंट, देखिए शिफ्टिंग दो तरीके से होगा, या तो वाई में शिफ्ट करते हैं आप डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में आप शिफ्ट करते हैं। तो यहां पे जो हम शिफ्ट कर रहे हैं, जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स है ना उसमें देखिए शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो अब शिफ्ट मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का जो एक्चुअल फंक्शन है ना, इसका जो ग्राफ है वो जो यहाँ पे 2 या माइनस 2 लिखे ना, 2 यूनिट से लेफ्ट या राइट शिफ्ट करता है, ठीक है। तो जैसे देखिए मॉड एक्स का एक्चुअल ग्राफ कितना है, कैसा होता है आपको पता है, मॉड एक्स का एक्चुअल ग्राफ ये 0,0 ओरिजिन, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये लेता हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अल्टीमेट इसको ग्राफ फंक्शन फॉर्म में लिखे तो मॉड एक्स प्लस 2 हो गया और यहां पे मॉड एक्स माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर मैं लिखता हूं इस फंक्शन पे ग्राफ अगर खींचना चाहता हूं तो आप चेक करिए ओरिजिन, मतलब ये 0 किस x की किस वैल्यू के लिए होगा, तो ये x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू माइनस 2 जब आप रखेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन 0 होगा और नीचे वाला फंक्शन जब x इक्वल टू 2 रखेंगे, तो ऊपर वाला के लिए हम ग्राफ खींचते हैं पहले, तो x इक्वल टू किस पे 0 हो रहा है, माइनस 2 पे, तो ये जो एक्चुअल फंक्शन का ग्राफ है वो देखिए माइनस 2 यूनिट मतलब 2 यूनिट ग्राफ में वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। अब यहाँ पे जब x इक्वल टू माइनस 2 लूंगा तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो ये देखिए फंक्शन का ग्राफ ये था एक्चुअल, ये कितना हुआ 2 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर गया। उसी तरीके से अगर इसका करेंगे, इसी में मैं खींच देता हूँ, इसी में मैं खींच देता हूँ दूसरा भी डॉटेड करके, तो आप देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखेंगे आप तब ये 0 होता है। तो एक्चुअल ग्राफ ये था, ये 2 यूनिट जो है राइट में शिफ्ट हो गया ओरिजिन के। इसी को हम बोलते हैं शिफ्टिंग, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग। अगर आप बीटेक से हैं तो इस तरह के ग्राफ्स तो आपके लिए नॉर्मल होगा। तो आप देखिए ये है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब एक्चुअल शिफ्टिंग जो होता है फंक्शंस के ग्राफ में। तो ये था इंडिपेंडेंट वेरिएबल में शिफ्टिंग। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मॉड एक्स प्लस माइनस 2 कर देता, ध्यान दीजिए मैं ये बोल रहा हूँ प्लस माइनस 2, तो ये वाई एक्सिस पे मतलब वाई की वैल्यूज पे शिफ्टिंग होता है, तो फंक्शन का ग्राफ ऊपर या नीचे जाता वाई एक्सिस पे। तो फर्स्ट शिफ्टिंग क्या है, इसीलिए इसको फर्स्ट शिफ्टिंग बोलते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं। होपफुली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया, सो प्लीज इसको पॉज करके पहले तो नोट डाउन करें ताकि मैं जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का उसको प्रॉपर मैं लिख पाऊं स्टेटमेंट और फिर उसके बाद उसको प्रूव करते हैं। प्लीज इसको पहले पॉज करके नोट डाउन करें फ्रेंड्स, प्लीज इसको पॉज करके नोट डाउन करें। अब चलिए, अब यहां से होपफुली आपने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ, पहले इधर इरेज करेंगे उस पोर्शन को, उधर रहने देते हैं, प्रूफ जब करेंगे तो फिर इसको मैं कर लूंगा। चलिए तो यहाँ पे अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी दिस इज इक्वल टू एफ एस। अब प्रॉपर लैंग्वेज लिख लीजिएगा, अगर एग्जाम में आता होगा तो लिखिएगा लेट एफ टी बी ए फंक्शन सच दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, या सीधे आपको बोलेगा ना कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टेट और प्रूफ करो, तो आप लिखिएगा थोड़ा लैंग्वेज के लिए एफ टी बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी और उसके बाद सच दैट ये। तो ये बोलता क्या है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कि अगर मैं यहां पे e टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दिया, समझिएगा फंक्शन में e टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई किया तो एफ टी, इस फंक्शन में e टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई किया तो ये होता क्या, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s माइनस a। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिए ये शिफ्ट कर रहा है s में, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्चुअल ये फंक्शन ऑफ s है ना, ये क्या हो रहा है a यूनिट से जो है माइनस आ गया, तो आपको पता है राइट ओरिजिन के राइट में शिफ्ट कर जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और फेमस नाम जो है इसका फर्स्ट एक्चुअल बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लेकिन फेमस जो होता है अगर कोई भी बोलेगा आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो दिमाग में यही आता है और यही यूज करते हैं, यही फेमस है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के नाम से, ठीक है। तो अब आते हैं इसका, पहले मैं प्रूफ करूंगा। सो प्रूफ हमें यही दिखाना है कि एक्चुअल जो फंक्शन है उसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस है तो अगर इस फंक्शन में ई टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s माइनस a हो जाता है, f ऑफ s माइनस a, मतलब ये जो है a यूनिट से राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ देखिए आपको आप समझ में आएगा। तो चलिए प्रूव करना है, सो गिवन है, जो पहले वो लिख लीजिए, गिवन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f t दिस इज इक्वल टू f s, ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपको।
अब अगर ये दिया है तो बाई डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पी इज इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यही क्या है एफ ऑफ एस, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब हमें इसको यूज करके प्रूव क्या करना है ये, तो चलिए नाउ अब जो प्रूव करना है उसको हम लिखते हैं। सो नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी, ठीक है ना, एफ टी, तो बाई डिफिनेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बाई डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन e टू द पावर ए टी एफ टी, ध्यान दीजिएगा ये है मेरा ओरिजिनल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए यहाँ पे, सो इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी प्लस ए टी होगा, माइनस एस टी प्लस ए टी, और यहाँ पे एफ टी है डी टी। ठीक है, अब यहां से माइनस साइन बाहर लीजिए, माइनस टी आप इनफैक्ट बाहर लीजिए, तो इंटीग्रेशन टी इज इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी ई के पावर माइनस बाहर ले लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा एस माइनस ए इंटू टी, ये हो गया, और यहां पे एफ टी डी टी। अब देखिए जो प्रूव करना है एस माइनस ए एफ ऑफ एस माइनस ए, तो अब यहां पे इसीलिए मैंने माइनस साइन यहां बाहर लिया, एस माइनस ए किया, इस प्रूफ में बस ये स्टेप आप याद करिए, होपफुली मैं यहां तक एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। इधर आपने नोट डाउन कर लिया है तो इसको मैं अब इरेज भी कर सकता हूं, प्रूफ हो गया फ्रेंड्स, अब प्रूफ में कोई टेंशन नहीं, सो प्रूफ में कोई टेंशन नहीं, इसी को आप कोई और नंबर पुट कर लीजिए, सो मैं पुट करता हूं एस माइनस ए को यू पुट कर लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा डी एस इक्वल टू डी यू हो जाएगा, हो जाएगा फ्रेंड्स, एस माइनस ए को हमने पुट किया, तो यहां से देखिए दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी, एक मिनट फ्रेंड्स, एस माइनस ए इंटू टी, हम यहां पे एक मिनट ये पुट करेंगे, इसको थोड़ा सा आप इसको, अगर s माइनस ए को पुट करेंगे, एक मिनट फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन में हमें चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा आप देखिए करेक्ट करिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो t है, बस मैं पुट कर रहा हूं, सिंपली मैं पुट कर रहा हूं बस सिंपली s माइनस ए को u पुट कर रहा हूं, तो ये देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस, इसको मैंने u पुट किया, ये हो जाएगा ut, ठीक है, और ये एफ टी डी टी, कुछ नहीं करना है सिंपली बस ये। अब अगर इसको कंपेयर करें ओरिजिनल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप देखिए एस था यहां पे, सब कुछ सेम है, अगर एस है तो मैं लिखता हूं एफ ऑफ एस, यहां पे यू है तो ये क्या हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ यू, ठीक है, और एफ ऑफ यू, यू को मैंने क्या पुट किया है एस माइनस ए, तो सिंपली देखिए ये प्रूफ हुआ फ्रेंड्स हमारा। तो बस इस प्रूफ में यही याद करना कि s माइनस ए को मैं u पुट कर दूंगा, और u पुट करने के बाद सिंपली ये आएगा, और यही तो ये क्या है, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और f(t) का फार्मूला है, यहां पे s की जगह u रखा है मैंने, तो ये f ऑफ u हो जाएगा, और फाइनली u की वैल्यू s माइनस ए रख दीजिए, तो यहां पे देखिए कि जब मैं e टू द पावर at से f(t) को मल्टीप्लाई करता हूं, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होता, ओरिजिनल जो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिनल फंक्शन का, बस s की जगह s माइनस ए से मैं रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल इस पे बहुत सारे करेंगे, बट इसका एप्लीकेशन अगर यही पे मैं बता दूं तो थोड़ा सा आसान होता है आपको करना, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए यहां पे मैं आपसे बोलता हूं कि इसका निकालो e टू द पावर 2t sin फॉर एग्जांपल t, ठीक है ना, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए। तो अगर आप क्वेश्चन देखते हैं जितने स्टैंडर्ड फॉर्मूले, मतलब जो मैं पिछली वीडियोस में, जो मेरे ख्याल से सेकेंड वीडियो में जो एक लिस्ट दिया था एलिमेंट्री फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का, तो हमारा साइन का था, कॉस का था, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का था, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट जहां पे e टू द पावर 2t और साइन t है, तो वहां पे तो हम यूज नहीं कर पाएंगे,
स्टैंडर्ड फार्मूला तो था नहीं ये, तो अब मैं सर्च करूंगा क्या कर सकता हूं, तो मेरे पास एक टूल मिला है जो कि क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के टर्म में, तो इसको मैं यूज करूंगा। तो क्या था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, आप करते क्या है, ओरिजिनल फंक्शन का पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लीजिए, और ओरिजिनल फंक्शन में इसको मैं जानता हूं एफ टी दे दूंगा, और ये अगर ई टू दी पावर ए टी से मल्टीप्लाई है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में यूज कर सकता हूं। तो अब मैं आता हूं सोल्यूशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, यहां पे ए की जगह वन है, आप याद रखिए, ये भी मैं लिखता हूं, साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या सीखा था आपने, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहां पे एस जो है आपका ग्रेटर देन जीरो है, ये फार्मूला है आपके पास। तो यहां पे ए की जगह वन है, ए की जगह वन रखिए, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब यहां पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप लगाइए, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब मैं आता हूं बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब यहां पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक्चुअल यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोला ना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जब जब कोई बोले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो हम लोग इसी को यूज करते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को। तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू दी पावर, क्या लिखा है मैंने, टू टी साइन टी। बाई डेफिनेशन दे दीजिए, पहले मैंने ओरिजिनल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, एफ ऑफ एस। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ई टू दी पावर ए टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एस की जगह एस माइनस ए रिप्लेस करते हैं, और यहां पे ए क्या है, टू, देख लीजिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ये टू वहां पे किया। तो बस सिंपली क्या हो जाएगा, यहां पे जो जहां जहां पे एस है उसकी जगह मैं क्या करूंगा, एस माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, एस माइनस टू स्क्वायर प्लस वन, और कुछ नहीं करना था फ्रेंड्स। कितना आसान है, कितना आसान है, प्लीज बोले। तो कितनी इजीली आप कर सकते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करके इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब मैं आता हूं इसका जो एप्लीकेशन, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हम लोग पढ़े थे वहां पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बस उसके ओवरव्यू लेके मैं आगे बढ़ूंगा। सो प्लीज इसको पहले पॉज करके नोट डाउन करें, होपफुली आपने लिख लिया होगा, मैं इरेज करूंगा फ्रेंड्स। अब देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करके आप एज स्टैंडर्ड फार्मूले भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहला लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन क्या था, वन बाई एस, आपको याद होगा एस ग्रेटर देन जीरो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी में वन को अगर मैं e टू दी पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सीधी सी बात है e टू दी पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से s की जगह s माइनस a रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, s माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पे s ग्रेटर देन a लिखेंगे आप। सेकेंड हमने सीखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू दी पावर n क्या था, गामा n प्लस वन अपॉन s टू दी पावर n प्लस वन। अब अगर आपसे बोलता हूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर a टी टी टू दी पावर n निकाल लीजिए, तो क्या करना है, ओरिजिनल फंक्शन का ये है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे s की जगह, जहां जहां s है s की जगह s माइनस a रिप्लेस करेंगे, सो गामा n प्लस वन अपॉन s माइनस a टू टू दी पावर n प्लस वन, और यहां पे उसके अकॉर्डिंगली जो है आप कंडीशन s पे लगाते जाएंगे, ये हो गया। अब मैं साइन पे आ जाता हूं, एक और बता देता हूं, आप जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन फॉर एग्जांपल bt की वैल्यू क्या होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन b अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इस ओरिजिनल फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जहां जहां s है वहां वहां पे s माइनस a लिखेंगे, तो b अपॉन s माइनस a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से आप और भी जो फार्मूले हैं स्टैंडर्ड फार्मूलों को आप डिराइव कर सकते हैं, बट इनको याद करने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, प्रूफ मैंने कर दिया, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को समझना है, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी किया, और इन फार्मूलों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के मैं आपको एक्सप्लेन भी किया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रिपेयर हो चुके हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे अब बेसिक जो एग्जांपल्स है उनको करने के लिए हम प्रिपेयर हो चुके हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना, और आप देखेंगे वहां पे कि आज इस वीडियो में हमने जो जो दो
प्रॉपर्टीज किए लीनियर और सेटिंग, इनका यूज करेंगे हम लोग। सो होपफुली जो मेरा एफर्ट था आपके दिमाग में इन प्रॉपर्टीज का क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बन पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, और लास्टली मैं ये बोलूँगा कि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर बार बार विजिट करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।